यो दिस इज नेजी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया। सब मिस कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, हमारा जो सेशन होता था सना सुल्तान, साई केतन, सना मकबूल, विशाल शिवानी, इन लोग सब को मिस कर रहा हूँ। और यू नो एक बहुत प्यार भरा माहौल था, और जैसा हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना हर चीज़ बहुत एक शेड्यूल्ड एक रूटीन बन गया था, तो सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। कि जब मैं लाइमलाइट में नहीं था, जब मैं मतलब गिर गया था करियर में, थोड़ा मेरा डाउनफॉल चल रहा था, तब किसी ने भी मुझे याद नहीं किया, किसी ने भी मुझे बोला नहीं कि भाई मैं तेरे को काम दिलवाता हूँ, किसी भी दोस्त ने या किसी भी इंडस्ट्री फ्रेंड ने ये नहीं बोला कि नेजी भाई विल वर्क विथ यू, मैं तुझे काम दिलाता हूँ। जुहू पे एक मस्त जगह पे मिले हम लोग और बातचीत की, हम लोग चिल करे साथ में, टाइम स्पेंड किए, कुछ खाया पिया, तो बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद उनसे मिलकर। और हम लोग का वाइब अभी भी वैसा ही है, हमारी दोस्ती अभी भी वैसी है, जानबूझ के वो अनलकी वाला शब्द बोला था। और मैं सना से ये बात करना चाह रहा था कि जो वो काम करती है एक्ट्रेस का और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो है, तो एज ए वुमेन उसका उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं थोड़ा उसको एहसास दिलाना चाह रहा था एज अ फ्रेंड कि थोड़ा फिकरमंद हो जा, कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है औरतों का और जो भी एक सिली बिहेवियर होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में औरतों के साथ, के एक प्रिजुडाइज है और एक ही तरीके से सबको ट्रीट किया जाता है, मैं बोला उसको बदलने के टूवर्ड्स हम काम करते हैं साथ मिलकर, क्योंकि मेरी भी नियत वो है और मैं उसके अंदर देखता हूँ वो क्षमता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी, आई एम विजय तिवारी एंड टुडे आई हैव विद मी नेजी दब्बा, जिन्होंने बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर में काफी लोगों का दिल जीता और अपने गेम से काफी लोगों को इम्प्रेस किया। सो वेलकम नेजी टू टाइम्स ऑफ इंडिया। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू नेजी? गुड एज वेल। और मुझे बताओ कितना मजा आ रहा है लोगों से मिलके, अपने परिवार से मिलके, फ्रेंड से मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर की दुनिया में जी के, आसमान देख के, बहुत मजा आ रहा है, खुली हवा आ रही है, सब एनवायरमेंट बना है, प्यार भरा एनवायरमेंट है, सब मुझे पहचान रहे, जान रहे और यू नो प्यार दे रहे हैं, और इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे, कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ तो मॉब्ड हो जा रहा हूँ, मतलब रोड पे रास्ते पे हर जगह लोग बाइक रुका रुका के यू नो अपने स्पीड में जा रहे हैं, मुझे देख के रुक जा रहे हैं, अपना सफर छोड़ के लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो भीड़ जमा हो जा रही है, कहीं पे भी निकल रहा हूँ तो इतना थ्रिलिंग एनवायरमेंट है, इतना प्यार भरा एनवायरमेंट है, मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और मैं तैयार हो रहा हूँ अभी, उनको कुछ मुझे केटर करना है और इस वाइब को, इस माहौल को मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है जी। तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है बाहर आके। एंड यू नो नेजी, आपने स्टारडम देखा है, आपने स्टारडम को लिव किया है, लेकिन बीच में जैसे आप बिग बॉस में भी बोलते नजर आए कि यू नो मैंने बहुत बहुत उतार चढ़ाव अपने करियर में देखा है, जब ये वापस से बिग बॉस से इतना सारा प्यार मिल रहा है फैन से, वो कितना अच्छा लग रहा है, हाउ इज इट, यू नो आई एम श्योर इट मस्ट बी एन इमोशनल थिंग फॉर जी। बिल्कुल, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं इतना तजुर्बा हो गया है मुझे, तो अब मुझे अल्लाह ताला ने और एक मौका दिया है कि मुझे वापस उतना प्यार मिल रहा है, यू नो ऐसे जमाने, पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं एकदम उरूज पे था, बल्कि ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि बहुत सारे लोग अचानक से प्यार करने लगते हैं, अचानक से DMs फुल हो जाते हैं, रस्ते फुल हो जाते हैं और प्यार मिलता है लोगों का, तो मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, बल्कि अभी तो मैं इसमें एकदम वाइज हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। तो पहले मुझे कभी कभी लोगों से चिढ़ होती थी या मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार बस करो यार रहने दो, लेकिन अब मैं उस चीज को पॉजिटिवली ले रहा हूँ, अब मैं एक नया इंसान बन गया हूँ और अब मैं यू नो मुझे ग्रेटिट्यूड है उस बात का कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं और मैं उनको गिव बैक करने के लिए तैयारियां कर रहा हूँ, और प्यार जैसा आ रहा है वैसे ही मैं प्यार दे भी रहा हूँ, जितना प्यार मिल रहा है उतना प्यार वापस भी दे रहा हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे भी अब एक्टिव रहने वाला हूँ और इस प्यार को मल्टीप्लाई करते जाने वाला हूँ। एंड ऑल्सो टेल मी यू नो क्या सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो घर से बाहर आने के बाद, वहाँ पे 40 दिन बिताए आप लोगों ने, यू नो म्यूजिक के साथ उठना, बिग बॉस की आवाज, सब मिस कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, हमारा जो सेशन होता था सना सुल्तान, साई केतन, सना मकबूल, विशाल शिवानी, इन लोग सब को मिस कर रहा हूँ। और यू नो एक बहुत प्यार भरा माहौल था, और जैसा हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना हर चीज़ बहुत एक शेड्यूल्ड एक रूटीन बन गया था, तो सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। बाहर अलग भाग दौड़े, अंदर थोड़ा लेजीनेस भी था कि कुछ काम नहीं है, बैठे रहो, यू नो टास्क आ रहे तो करो वरना चिल करो, तो वैसा तो अब नहीं रहा, यू नो
अब थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, डील्स क्लोज करनी है, इंटरव्यूज देने हैं, तो बैक टू बैक कुछ मसला चल ही रहा है, और मसला नहीं कहूंगा मतलब काम चल रहा है मतलब एक बिजीनेस है, तो वो रूटीन लाइफ और वो चिल करने वाली वाइब को थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन एडजस्ट कर ले रहा हूँ, बाहर की दुनिया से भी एडजस्ट कर ले रहा हूँ। बट ये कितना अच्छा भी लग रहा है, बिकॉज यू हैव सेड कि यू नो प्रोफेशनल करियर में भी आपको लोगों ने, कई बार आपके करीबी लोगों ने आपको यूज किया है और आपके यू नो आपको कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश की है, बट ये जो फेज वापस आया है व्हेन वेयर पीपल वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, वर्क विथ यू, वी सॉ योर फुटेज फ्रॉम अ म्यूजिक कंपनी जहाँ पे आप रिसेंटली विजिट किए थे, जिनके साथ आपका कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, ये जो फेज वापस से आया है वेयर इंडस्ट्री इज कीन ऑन वर्किंग विथ यू, ये कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटिंग है, बहुत पॉजिटिव है और अनएक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि जब मैं लाइमलाइट में नहीं था, जब मैं मतलब गिर गया था करियर में, थोड़ा मेरा डाउनफॉल चल रहा था, तब किसी ने भी मुझे याद नहीं किया, किसी ने भी मुझे बोला नहीं कि भाई मैं तेरे को काम दिलवाता हूँ, किसी भी दोस्त ने या किसी भी इंडस्ट्री फ्रेंड ने ये नहीं बोला कि नेजी भाई विल वर्क विथ यू, मैं तुझे काम दिलाता हूँ, तो वो थोड़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन अब मैं उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रेजेंट पर ध्यान दे रहा हूँ, फ्यूचर पर ध्यान दे रहा हूँ, तो अब अगर म्यूजिक लेबल को मेरे साथ काम करना है तो उनको कुछ ना कुछ दिखा रहेगा, बदलाव दिखा रहेगा, या उनको कुछ उम्मीद रहेगी कि मैं वापस लाइमलाइट में आ गया हूँ, वापस मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ वापस आ गया हूँ, तो मैं तो दिल से ही काम करूँगा, कोई भी लेबल रहे, कोई भी कंपनी रहे, मैं अब जो काम करूँगा वो नेक्स्ट लेवल करूँगा, मैंने ठान लिया है कि मुझे अब मेहनत करना है और मेरे को फुल पोटेंशियल रीच करना है, जहाँ तक मैं अभी तक पहुँचा भी नहीं हूँ, अभी तक जो मैं कर रहा था वो थोड़ा लेट बैक वे में कर रहा था, अब मैं थोड़ा अप फ्रंट वे में करूंगा, आगे आके मारूंगा, बोलते ना आगे बढ़ बढ़ के चौके छक्के मारना, थोड़ा एग्रेसिवली वर्क हार्ड करके यू नो अपना फेथ स्ट्रांग रख के, बिलीव स्ट्रांग रख के कि जो मैं करूंगा वो चलना चाहिए और वो हिट होना चाहिए कॉन्फिडेंटली, एक एंथुजियाज्म के साथ, एक एनर्जी के साथ, तो अब मेरे अंदर वो सब चीजें मेरी जाग रही है कि मुझे इतना प्यार मिला तो मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव वे में, उसको आगे बढ़ के यू नो हासिल करूंगा, जो मुकाम मेरा था उस मुकाम पर मैं फिर पहुंचना चाहूंगा। जी बिल्कुल, यू नो जैसे आपने कहा कि मैं वर्क हार्ड करना चाहूंगा, उस मुकाम पे वापस पहुंचना चाहूंगा, आपने घर के अंदर काफी अपने स्ट्रगल्स की भी बात की नेजी, वेयर यू टॉक्ड अबाउट कि कैसे यू नो यू हैड टू स्पेंड टाइम इन प्रिजन, अपने यू नो बहुत डार्क फेज के बारे में भी आपने बात की। Now when you're out, when positive things are happening with you, will your decisions change now? Because पहले शायद नेजी हर किसी पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेते थे, अब क्या नेजी वाइजर बन गए हैं, अब वो हर किसी के खासकर अपने प्रोफेशनल करियर में बिलीव नहीं करेंगे हर किसी पे, क्योंकि आपको किसी ने मदद नहीं की आपके डाउनफॉल में। जी बिल्कुल, अब मैं थोड़ा पिकी और चूजी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अंदर रह के ये भी सीखा, रिश्ते बनाना भी सीखा, ट्रस्ट करना भी सीखा कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए, अगर मैं भोला बन के सब पे ट्रस्ट करूंगा और यू नो सबको मौके देते रहूंगा तो उसमें मेरा नुकसान होएगा, क्योंकि मैं पहले ऐसा कर चुका हूँ जहां मुझे भुगतना पड़ा जी। तो मैं नहीं चाहता हूं मैं उस चीज को रिपीट करूं जी। अब मैं थोड़ा वाइजर गेम प्ले करूंगा, मतलब जिन पे ट्रस्ट करना चाहिए सिर्फ उन पे ट्रस्ट करूंगा, सब पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, और थोड़ा पिकी और चूजी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना तजुर्बा हो गया है कि मुझे इतनी समझ आ गई है अभी कि किस पे ट्रस्ट करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए, तो मैं ब्लाइंडली सबके साथ काम नहीं करूंगा, बहुत कम लोगों के साथ काम करूंगा और अच्छा काम करूंगा, सिलेक्टिवली काम करूंगा, और मेरे साथ जो हुआ पास्ट में मैं बार बार उसकी बात भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे फोकस करना है अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे, पास्ट में जो हुआ उस पर मैं मिट्टी डाल के यू नो उसको दरगुजर करके, लोगों को माफ करके, दिल साफ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ और एक मिसाल बनाना चाहता हूँ कि हालांकि मेरे ऊपर जुल्म हुआ जो भी हुआ मैंने दिल बड़ा करके उन लोगों को माफ किया, मैं नहीं चाहता हूँ कि कर्मा उनसे बदला लेकर यानी मुझे कोई बदले की भावना नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके करियर में फॉल आ जाए या उनकी जिंदगियां खराब हो जाए, जो भी है मेरे दुश्मन मैं उनको भी माफ करके दिल साफ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ और वापस से मुझे उस गंदगी में नहीं पड़ना है, उन मसलों का सामना नहीं करना है, मुझे पॉजिटिव रह के एक अच्छा मैसेज पहुंचाना है। हमने आपकी पिक्चर देखी सना के साथ, मकबूल के साथ, मिलिए बिग बॉस के बाद क्या बातें हुई? हम मिले कल रात में ही मिले हम लोग, तो
जुहू पे एक मस्त मस्त जगह पे मिले हम लोग और बातचीत की, हम लोग चिल करे साथ में, टाइम स्पेंड किए, कुछ खाया पिया, तो बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद उनसे मिलकर। और हम लोग का वाइब अभी भी वैसा ही है, हमारी दोस्ती अभी भी वैसी है, हंसी मजाक करना, यू नो, खुश रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। कुछ बातें मैंने उनसे कही, कुछ उन्होंने मुझसे कहा, तो बहुत अच्छा वाइब बन रहा है अभी, बहुत पॉजिटिव वाइब बन रहा है और हम इसको बरकरार रखेंगे, ऐसी दोस्ती को हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। यू नो, आपने घर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कहा था कि कुछ बातें हैं जो मैं घर के बाहर करूंगा, और जब आपसे मीडिया राउंड में पूछा गया कि सना शादी करने वाली है, तो आपने कहा कि मैं एज अ दोस्त तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट मैं अनलक्की महसूस कर रहा हूँ। वो अनलक्की क्यों? नहीं, वो जानबूझ के मैं मीडिया को ट्विस्ट देने के लिए थोड़ा परेशान हो, थोड़ा यू नो उसका मसला बना है, तो जानबूझ के वो अनलकी वाला शब्द बोला था। और मैं सना से ये बात करने चाह रहा था कि जो वो काम करती है एक्ट्रेस का, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो है, तो एज अ वुमेन उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। मैं थोड़ा उसको एहसास दिलाना चाह रहा था एज अ फ्रेंड कि थोड़ा फिकरमंद हो जा, कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है औरतों का, और जो भी एक सिली बिहेवियर होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में औरतों के साथ, के एक प्रिजुडाइज है और एक ही तरीके से सबको ट्रीट किया जाता है। मैं बोला उसको बदलने के टुवर्ड्स हम काम करते हैं साथ मिलकर, क्योंकि मेरी भी नीयत वो है और मैं उसके अंदर देखता हूँ वो क्षमता है कि वो डोमिनेंट है, वो पावरफुल है, तो मैं चाहता हूँ वो ये सब चीज का स्टैंड ले इंडस्ट्री में और उस मिजाज के साथ आगे बढ़े, वैसे टाइप का काम चूज करे, यू नो, थोड़ा पिकी और चूजी रहे, सिलेक्टिव रहे अपने कामों में। तो मैं बस उससे ये शेयर करना चाहता था और मैंने कल उसको ये बात बोली कि तू अच्छे से सिलेक्ट कर काम, जो तेरी पर्सनालिटी को सूट होता है वैसे काम देख, सबको हाँ मत बोल, और इस मकसद के लिए लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट, ऐसी बात हुई हमारी। आप दोनों एक ही म्यूजिक लेबल के यहाँ पे स्पॉट हुए थे बैक टू बैक, तो कुछ आ रहा है क्या प्रोग्राम? हो सकता है आए कुछ, और हाँ, मतलब मैं अभी तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन हो सकता है हम लोग साथ काम करें। बिग बॉस के बाहर आने के बाद और किसी से बात हुई? हाँ, विशाल से बात हुई, शिवानी से बात हुई, लवकेश से बात हुई, बहुत सारे लोग से बात हुई, रफ्तार भाई से बात हुई, हिप हॉप की कम्युनिटी वाले लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग से बात हुई, सबने प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, और आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। यू नो, आप एक ऐसे इंडिविजुअल थे घर के अंदर जिसकी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आई थिंक रेयर थे, बाकी सब लोग ग्रुप्स में बटे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ के ग्रुप में आपको इक्वली प्यार मिलता था, चाहे वो रणवीर के तरफ से हो चाहे वो सना के तरफ से, दोनों राइवल्स थे, राइट? बट नाउ दैट यू आर आउटसाइड द हाउस, काफी यू नो सोशल मीडिया पे भी रणवीर सना के बारे में कुछ बोल रहे हैं, सना रणवीर के बारे में कुछ बोल रही है, अरमान के काफी सारे क्लिप्स देखे होंगे आपने जहाँ उन्होंने आपके बारे में बोला, हाउ इज द इक्वेशन विद अरमान एंड रणवीर नाउ? इट्स कूल, हम लोग के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, मेरा इक्वेशन सबके साथ अच्छा था अंदर भी और बाहर भी, मैं वैसे ही रखना चाहता हूँ। आपस में उन लोग कितना भी लड़े, मेरे साथ उन लोग अच्छे से रहेंगे, ये बात का मुझे यकीन है। भले ही सना मकबूल और रणवीर की आपस में नहीं जमती है, लेकिन मेरे से दोनों की जमती है, right. तो मैंने हर जगह अपना वैसे ही व्यवहार रखा कि किसी से खराब करके नहीं लिया, मैंने हर रिश्तों को इम्पोर्टेंस दिया और सब मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं और सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कहीं कि हमारा अनबन हो किसी और को लेकर। इतने अंडरस्टैंडिंग तो सब है, अब रणवीर भाई इतने एज में हमारे से इतने बड़े हैं, इतने मैच्योर है और इतने एक्सपीरियंस्ड है, तो उनको पता है कि मेरा इक्वेशन उनके साथ अच्छा है, भले ही मैं सना मकबूल का फ्रेंड हूँ, लेकिन उन्होंने कभी हेट नहीं दिया मुझे, मेरे साथ अच्छे से रहे तो मैं भी उनके साथ अच्छे से ही रहूंगा ना, राइट? बट जब वो कहते हैं कि सना मकबूल इज अनडिजर्विंग, मुझे तो नहीं लगता वो अनडिजर्विंग है, अगर वो अनडिजर्विंग होती तो ऑडियंस इतना प्यार नहीं देती और वो जीतती नहीं, मुझे तो लगता है वो डिजर्विंग थी इसलिए वो जीती है, राइट? यू नो, एक रियलिटी शो हो चुका है, डू यू वांट टू ट्राई मोर या फिर अभी म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट? अभी मैं म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। डिड यू मिस म्यूजिक? यस, आई मिस्ड इट अ लॉट, अब मैं म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। बट किस तरीके के प्रोजेक्ट करना चाहोगे आप? यू नो, मैं अभी सब कॉन्सेप्चुअल ऐसे यू नो सीरियस इमोशन वाले, मेरे को ये लड़की गाना यू नो दारू और पार्टी ये सब मेरा जोन नहीं है, मेरा जोन अलग है, मेरा जोन इमोशंस और या तो स्टोरी, ऐसा कॉन्सेप्ट इमोशन और स्टोरी, मेरे को ऐसे टाइप के काम करना है, तो मैं इंडस्ट्री में भी काम करूंगा और अंडरग्राउंड में भी काम करूंगा, हर तरह के काम करूंगा, लेकिन सारे काम में कुछ मीनिंग रहेगा, कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ
यू नो मीनिंगफुल रहेगा और असरदार इम्पैक्टफुल रहेगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमसे नेजी, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सुपर डुपर सक्सेसफुल होंगे, एंड आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस, एंड बर्थडे आने वाला है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।